2023 का पहला महीना बीत चुका है। हालांकि साल की शुरुआत में भी गलत सूचनाओं का दौर ज्यों का त्यों चला आ रहा है। ऑल्ट न्यूज ने इस महीने देश और दुनिया के इर्द गिर्द हुई घटनाओं के संदर्भ में शेयर किए गए कई गलत दावों की असलियत दुनिया के सामने रखी। आज का ये वीडियो जनवरी 2023 के महीने में किए गए ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेक का राउंड अप है। इस साल पब्लिश हुए हमारे पहले फैक्ट चेक में बात इस वीडियो की गई है, जिसे शेयर करते हुए भाजपा बिहार ने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उनका ये दावा उन पर ही उल्टा पड़ गया। ये वीडियो हकीकत में सितंबर 2020 का है और उस वक्त बिहार में भाजपा जदयू की गठबंधन सरकार थी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की खबरें सामने आई थी। इसके बाद न्यूज 18, टाइम्स नाउ, द टेलीग्राफ ने ये कुछ तस्वीरें चलाते हुए दावा किया कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुए पथराव की है, जबकि असल में ये तस्वीरें पुरुलिया एक्सप्रेस पर हुए पथराव की है। ऑल्ट न्यूज ने इस बात की पुष्टि ट्रेन में मौजूद एक चश्मदीद से बात करके की थी। ऐसे ही मीडिया चैनल्स ने दिल्ली पुलिस के ASI शंभु दयाल की मौत की खबर देते हुए हत्या के आरोपी का नाम मोहम्मद अनीश बताया। और भी कई लोगों ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। बता दें कि 4 जनवरी को शंभु दयाल फोन छीनकर भाग रहे एक आरोपी का पीछा कर रहे थे और तभी उन पर चाकू से हमला किया गया। इस घटना में बाद में पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल करते हुए पाया कि घटना के आरोपी का नाम अनीश राज है और वो हिंदू समुदाय से है। वहीं NDTV ने 16 जनवरी को ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे किसानों की बात करते हुए रोने लगे, जबकि असल में अश्विनी चौबे अपने करीबी भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी के निधन की खबर सुनकर रोने लगे थे। सिकुड़ते हुए मेरे भाई प्रसाद चतुर्वेदी मेरा साथ दे रहा था, अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी। इसके बाद भाजपा नेता प्रीति गांधी समेत कई यूजर्स ने ये तस्वीर हल्द्वानी की बताते हुए पोस्ट की। हकीकत में ये तस्वीर कोलकाता की है और इसे 2013 में क्लिक किया गया था। ऐसे ही ये वीडियो भी हल्द्वानी का बताते हुए शेयर किया गया, लेकिन यह वीडियो कोलकाता का है, जिसमें बजबत से टोलीगंज तक रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झुग्गी बस्तियां दिखाई गई है। नेपाल में 15 जनवरी को एक विमान हादसे में तकरीबन 68 लोगों की जान चली गई। इस घटना को कवर करते हुए कई भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने नेपाल में सितंबर 2012 में हुए एक दूसरे विमान हादसे की तस्वीर चलाई। ऐसे ही 2021 में रूस में सैन्य विमान के परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने का वीडियो हाल में नेपाल हादसे से जोड़कर शेयर किया गया। ये दोनों वीडियोस पाकिस्तान में हाल में चल रहे आर्थिक संकट से जोड़कर शेयर किए गए। तारिक फतेह ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि वीडियो में डांस कर रहा ये आदमी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो है, जबकि हकीकत में ये शख्स कराची का एक छात्र है। जबकि गेहूं की बोरी के लिए लड़ रहे इन लोगों का ये वीडियो कई मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान की हाल की स्थिति बताते हुए शेयर किया, लेकिन असलियत में ये वीडियो सितंबर 2022 का है। वहीं इस महीने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में सबसे ज्यादा गलत सूचनाएं शेयर की गई। राहुल गांधी के क्लिप वीडियो या डॉक्टर क्लिप्स शेयर कर उन पर निशाना साधा गया। राहुल गांधी के कैमरा प्रेमी होने का दावा करते हुए ये दो वीडियोस शेयर किए गए, जबकि असल में इस वीडियो में आरती करते वक्त राहुल गांधी पुजारी को फॉलो कर रहे थे। वहीं इस वीडियो में फोटो खिंचवाने आई महिला को राहुल गांधी मना कर रहे थे। बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट मतलब टर्बन बनने हर बन बनने बेस्ट अच्छा एक पिक ले लो अभी नहीं मैडम अभी एक मिनट रिकॉर्ड कर 30 लाख फॉलोवर है सर इनके। अच्छा प्रॉपर पेज में 17 कंट्रीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके टर्बन है बनी बेस्ट है बेस्ट है सब तो बेस्ट है। अभी डिसाइड की कौन सा रंग होना चाहिए भैया केसरी का। भारत जोड़ो यात्रा में अश्लील भोजपुरी गाने बजने का दावा करते हुए ये वीडियो चलाया गया। असल में राहुल गांधी के वीडियो में छेड़छाड़ कर उसका ऑडियो एडिट किया गया था। वैसे
ऐसे ही ये तीनों वीडियो असल में क्लिप किए गए हैं। वीडियो का लंबा वर्जन देखने पर इनकी असलियत साफ सामने आ जाती है। इसके अलावा इन दावों की सच्चाई बताने वाले ऑल्ट न्यूज के डिटेल फैक्ट चेक आप हमारी वेबसाइट altnews.in या altnews.in/hindi पर पढ़ सकते हैं। साथ ही आप ऑल्ट न्यूज का मोबाइल ऐप भी अपने फोन में डाउनलोड कर रोजमर्रा के फैक्ट चेक से अपडेट रह सकते हैं।